पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है और न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने कहा हंसकर, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और न ही तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत दे देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को कभी भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी ज़रूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराज़गी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज़ होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने क्या किया है मेरे लिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हैं ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। आपका भविष्य कैसा होगा यह इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगा दें। ये जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। खुश रहना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बना लो कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग कल वही लोग आपके मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी
आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। तो मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा हैं उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने आपको अपना समझा है और आपकी मुश्किल समय में आपका साथ दिया है।